हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये आपके लिए और इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आती तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं आपको इसमें क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट मैं आपको दो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ये टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक बताऊंगी, और सेकंड है आपका स्पेशल क्लासिफिकेशन, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, इसमें ये होता है कि मतलब कौन सी क्रॉप की कौन सी फैमिली, क्या किस फैमिली में क्रॉप को मतलब रखा गया है, किस बेस पे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है आपका फ्रेंड पोएशी। पोएशी मीन्स हो गया आपका ग्रैमिनी। ग्रैमिनी जो होती है फैमिली, इसे ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। तो ग्रास फैमिली से ही पता चल रहा कि इसमें ग्रासेस क्रॉप जो भी होगी, नेपियर हो गया जैसे कि ये दिया हुआ है, और एटसेट्रा, जो भी ग्रासेस क्रॉप होंगी उसको रखा गया है आपके पोएशी या ग्रैमिनी फैमिली में। और सीरियल क्रॉप जो भी होगी आपका, वीट हो गया, पैडी हो गया, सोरगम हो गया, बार्ले हो गया, और जो भी हैं, तो ये आपकी सीरियल क्रॉप भी पोएशी या ग्रैमिनी फैमिली में है। सुगर केन भी है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका पेपिलियोनेशी, या बोले तो लेग्यूमिनेशी। तो इसमें जो पल्सेस क्रॉप आपकी ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पिजन पी, ये सब होती हैं। और जो लेग्यूम्स वाली क्रॉप होती हैं, और ग्राउंड नट एंड सन हिम्प, जिसे आप सनई बोलते हैं, तो इसको किस में रखा गया है, पेपिलियोनेशी या लेग्यूमिनेशी में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं क्रूसीफेरी फैमिली जो भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली को मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। इसमें मस्टर्ड है, रेडिश है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, नोलकोल है, तो ये आपका किस में है, क्रूसीफेरी में। ओके प्लीज़ फ्रेंड, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो फिर नेक्स्ट है मालवेशी। मालवेशी में क्या है कि जो मालवेशी को क्या बोलते हैं, मालवेशी फैमिली को आपकी कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। इसमें कॉटन है और भिंडी, ओकरा है आपका किसमें, मालवेशी फैमिली में। ओके फिर नेक्स्ट है आपका सोलेनेशी में क्या है कि जो भी आपकी, जैसे एक तो चलिए देख लेते हैं सोलेनेसी में ब्रिंजल है, पोटैटो है, टोमेटो है, टोबैको है, चिली है। तो मतलब जो ये मतलब फ्रूट टाइप, अगर जैसे ब्रिंजल और टोमेटो की बात करें, तो जिसका ये फ्रूट मतलब यूज़ होता है, फ्रूट वाला पार्ट जो भी, तो ये अगर याद रखने के लिए कर सकते हैं सोलेनेसी फैमिली। और ये पोटैटो में भी सोलेनिन आपने सुना होगा, जो सनलाइट की वजह से हो जाता है, ग्रीन कलर में पोटैटो हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सोलेनेशी में ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको और चिली आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे चिली हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल, मतलब बात करें तो जैसे ये फ्रूट इनका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या याद रख सकते हैं आप सोलेनेशी फैमिली में। फिर टिलिएशी की बात करते हैं, तो जो टिलिएशी फैमिली में आपका होता है जूट हो गया और फालसा। जूट और फालसा किस में आ जाएगा, आपका टिलिएशी में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका कंपोजिटी या स्ट्रेशी, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सन फ्लावर आ जाएगा और शफ फ्लावर आ जाएगा, नाइजर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड चीनोपोडिएशी। चीनोपोडिएशी में देखते हैं क्या है, बीट है आपका और सुगर बीट, ठीक है ना। तो आपका ये चीनोपोडिएशी और ये कॉर्न बॉर्न बुलेशी मैं आपको आगे बताने वाली, इनमें थोड़ा डाउट होता है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। चीनोपोडिएशी में बीट, सुगर बीट आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेडेलिएशी। पेडेलिएशी में आपका क्या आता है, शीशेम, तिल जो आता है आपका पेडेलिएशी, ठीक है ना। पेडेलिएशी फैमिली में आपका शीशेम आता है। फिर नेक्स्ट है
यू फॉर बी एस सी, यू फॉर बी एस सी, यू फॉर बी एस सी में क्या आता है आपका, टैपियोका आता है, कैस्टर आता है, ठीक है ना, किसमें, यू फॉर बी एस सी में। ओके, फिर नेक्स्ट है कॉर्नबॉर्नबुलेशी। कॉर्नबॉर्नबुलेशी में बात करें तो आपका स्वीट पोटैटो है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। ओके, फिर लास्ट है आपका ये अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी में क्या है कि जो आपका कोरिएंडर, क्यूमिन, थोड़ा ये याद रख सकते हैं अगर ट्रिक से बात करें तो, मसाले वाले जैसे जीरा धनिया हो गया, तो आपका ये किस में, अम्बेली फेरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी मिस्टेक होती है आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।